नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीवी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। भगवान श्री राम के परम भक्त और बलशाली बजरंग बली हनुमान जी को कलयुग का जीवी देवता माना जाता है। ये वरदान उन्हें श्री राम ने दिया था। शायद यही कारण है कि हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, तुरंत अपने भक्तों का संकट हर लेते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान क्यों पड़ा था? आइए आपको बताते हैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें हनुमान जी के भक्तों को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा, जबकि उनकी मां ने उनका नाम बचपन में मारुति रखा था। दरअसल बहुत समय पहले हनुमान जी ने सूर्य भगवान को एक रसीला फल समझकर खा लिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर इंद्र देवता ने अपने वज्र से मारुति के मुंह पर प्रहार कर दिया। इस घटना में उनका जबड़ा टूट गया था, जिसके बाद उनका नाम हनुमान पड़ गया। दरअसल संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। हमने रामायण में हनुमान जी को देखा है और उनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हम आपको बता दें, हनुमान जी के साथ उनके पांच सगे भाई भी थे। हनुमान जी के पांच भाइयों का नाम है मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और द्वितिमान। हमारे वेदों पुराणों में वानर राज केसरी के छह पुत्रों का जिक्र किया गया है। हालांकि हनुमान जी सबसे बड़े थे, हनुमान जी के साथ उनके सभी भाई भी ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी ने अपनी सारी जिंदगी राम जी की सेवा में अर्पित कर दी थी। हनुमान जी श्री राम के भाई समान थे, लेकिन आपको बता दें, हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं। दरअसल हनुमान जी की मां अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उनकी मां अंजनी को श्राप दिया था कि वो जिससे भी प्रेम करेंगी उनका मुंह वानर की तरह हो जाएगा। तब मां अंजनी ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का उपाय बताया, जिसके बाद अंजनी ने वानर राज केसरी से शादी कर ली थी। बता दें, अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी वजह से हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। हम सब यही तो जानते हैं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, लेकिन आपको बता दें, हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी और ये रामायण वाल्मीकि रामायण से कई हद तक बेहतर थी। दरअसल लंका जीतने के आने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कराकर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और यहीं पर हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उन्होंने भगवान श्री राम की कहानी लिखी थी। लेकिन जब वाल्मीकि जी को इसका पता चला तो वे उदास हो गए और हनुमान जी को अपनी तकलीफ बताई कि हनुमान जी के लिखे हुए रामायण का अध्ययन कर वाल्मीकि की रामायण का कोई वाचन नहीं करेगा, जिसके बाद हनुमान जी ने इसे तुरंत मिटा दिया था। हनुमान जी श्री राम के कितने प्रिय थे ये तो हम सब जानते हैं। यूं तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन श्री राम के बिना उनका अस्तित्व उन्हें अधूरा लगता था। इसी तरह जब भगवान राम का धरती पर कार्यकाल खत्म हो गया तो श्री राम बैकुंठ वापस जाने लगे, लेकिन उन्हें पता था, अगर हनुमान को इस बात का पता चला कि वो वापस बैकुंठ जा रहे हैं तो हनुमान जी ऐसा नहीं होने देंगे। तब श्री राम को एक युक्ति सूझी और उन्होंने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में फेंक दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया था। सातवीं कहानी जुड़ी है हनुमान जी के उस भोलेपन और भक्ति से, जहां हनुमान जी हर जगह केवल श्री राम को देखना चाहते हैं। वो हर वस्तु में श्री राम को देखते हैं। दरअसल भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता जब सभी को उपहार दे रही थी, तब उन्होंने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया था, लेकिन हनुमान जी उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान श्री राम की छवि खोजने लगे। जब वो भगवान श्री राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।